नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में, कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गरीबों, किसानों और मजदूरों की जगह पूंजीपतियों के हितों की रक्षा का लगाया आरोप। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में अपराधियों ने पंजाब के स्वर्ण व्यवसायी से 40 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूटे। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना जताई। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में 19 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच गया है। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना के विक्रम में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार को किसान, गरीब और मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान सिर्फ पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की है। पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए श्री गांधी ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो देश भर के 25 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रूपये दिए जाएंगे और एक साल के भीतर लगभग 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों से महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील की। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना साहिब से पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में रोड शो किया। इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में एनडीए उम्मीदवार महाबली सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों के आधार पर वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए काम कर रही है। सभा को लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। श्री कुमार ने नालंदा के बिहार शरीफ, जहानाबाद और नवानगर में भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नालंदा के अस्थावा और जहानाबाद के अतरी तथा अरवल में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी ने सासाराम संसदीय क्षेत्र के चेनारी में पार्टी उम्मीदवार छेदी पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। भोजपुरी फिल्मों के कलाकार पवन सिंह ने भी भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की अपील की। वहीं पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने जगनपुरा, शाहपुरा, डोमनाचक समेत ग्रामीण इलाकों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। दूसरी तरफ आरा से भाजपा उम्मीदवार आर के सिंह, बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे, सासाराम से कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार, पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती, आरा से भाकपा माले के राजू यादव और काराकाट से रालोसपा के उपेन्द्र कुशवाहा भी अपने अपने पक्ष में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला काफी रोचक होने के आसार हैं। एक रिपोर्ट। मगही और भोजपुरी की साझी संस्कृति के प्रतीक बने काराकाट संसदीय क्षेत्र की ओर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां इस बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित जदयू के महाबली सिंह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां से भाकपा माले के राजाराम सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र से कुल 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आगामी 19 मई को होना है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2019 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि ये दोनों अपने जवाब 1 जुलाई तक दाखिल करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के अकलू चौक के पास अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूट लिए। पुलिस ने बताया कि व्यवसायी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और जिले के विभिन्न हिस्सों में उनका कारोबार है। लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लोकपाल वेबसाइट शुरू हो गई है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष ने नई दिल्ली में आज लोकपाल संगठन के सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस वेबसाइट www.lokpal.gov.in का शुभारंभ किया। वेबसाइट से लोकपाल की कार्यप्रणाली और कामकाज के बारे में मूल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने मगध विश्वविद्यालय बोधगया के उन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो बायोमीट्रिक प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज कराने में अनियमितता बरत रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी बिहार के ऊपर बने चक्रवाती हवा के दबाव क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। किशनगंज के बहादुरगंज में सबसे अधिक 26.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरही में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। इधर आज गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 40.4, भागलपुर का 38.4 और पूर्णिया का 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकससपुर मोहल्ले में पिछले दिनों एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह और घटना की रात ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बोधगया में आज से 3 दिवसीय बुद्ध जयंती समारोह शुरू हो गया है। इसमें देश विदेश के हजारों बौद्ध धर्मावलंबी शामिल हो रहे हैं। कल और परसों मुख्य समारोह कालचक्र मैदान में आयोजित किया जाएगा। सहरसा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर 205 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने पानी भरे गड्ढे में छुपाकर रखे गए शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। इधर दरभंगा जिले के बहेरी थाना क्षेत्र से 3 और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र से 1 शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय जिले के नौकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव से पुलिस ने इनामी अपराधी नरेश महतो को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल और 22 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं एसटीएफ ने पटना जिले के कुख्यात अपराधी बनरा को भी गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गयी। नालंदा में 3 और भागलपुर तथा पूर्णिया में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिछले दिनों अगवा एक व्यक्ति को अपराधियों की चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के 120 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। नीति आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गरीबों, किसानों और मजदूरों की जगह पूंजीपतियों के हितों की रक्षा का लगाया आरोप। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में अपराधियों ने पंजाब के स्वर्ण व्यवसायी से 40 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूटे। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Gunmala Kapoor. Campaigning for the final phase of Lok Sabha elections in West Bengal will end at 10 tonight for the remaining 9 seats, a day ahead of the scheduled closing. Electioneering was curtailed by the Election Commission in the state following Tuesday's violence in Kolkata during BJP President Amit Shah's roadshow. Campaigning for the remaining 50 constituencies spread over 6 states and 1 union territory will come to a close tomorrow evening. Polling for all 59 parliamentary constituencies will take place on Sunday.
Top political leaders are leaving no stone unturned to win voters. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi held public meetings at Mathurapur in West Bengal. He said TMC President and State Chief Minister Mamata Banerjee is responsible for the growing violence in West Bengal. He alleged that TMC cadres had vandalized the statue of social reformer Ishwar Chandra Vidyasagar in Kolkata. Mamata Banerjee has described the Election Commission's decision to cut short the poll campaign during in-state as unethical and unconstitutional. In a tweet, she alleged that the Commission's actions under the direction of the BJP are a direct attack on democracy. Earlier in the day, Prime Minister Modi addressed rallies at Mirzapur, Chandauli and Mau in Uttar Pradesh. He said the NDA government fought terrorism and Naxalism resolutely and has ensured a corruption-free government. He accused the previous governments of the Samajwadi Party, the BSP and the Congress of closing sugar mills in the state and destroying the carpet industry. He said the NDA government is committed to the welfare of the poor, the farmers and women. Mr. Modi said the government worked on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas. He said the BJP's policy on terrorism is very clear and it will never compromise with the safety of the soldiers. BJP President Amit Shah held a rally at Maharaj Ganj in Uttar Pradesh. Speaking at a public meeting at Patna in Bihar, Congress President Rahul Gandhi said, if voted to power, the party will waive off farmers' loans and implement the Nyay scheme, which will give a jump start to the Indian economy and generate employment for the poor. He also said that demonetization has ruined the economy and business. Campaigning at Maharaj Ganj in Uttar Pradesh, Party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra said the BJP government cannot be trusted again as it failed to keep up its earlier promises. The seventh and final phase of Lok Sabha elections will cover 13 seats in Uttar Pradesh, all 13 in Punjab, 9 in West Bengal, 8 each in Bihar and Madhya Pradesh, all 4 constituencies in Himachal Pradesh, 3 in Jharkhand and the lone seat of Chandigarh. Counting of votes will take place on the 23rd of this month. The BJP has asked its Lok Sabha candidate Pragya Singh Thakur to tender a public apology for her controversial remark terming Nathuram Godse a patriot. Talking to media in New Delhi today, party spokesperson G.V.L. Narasimha Rao condemned her remark, saying the BJP completely disagrees with her. He said the party will seek a clarification from Pragya Thakur as to why she made such a statement. Pragya Singh Thakur is the BJP candidate from the Bhopal Lok Sabha seat. The Congress has demanded an apology from the Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi and punitive action against BJP candidate from Bhopal, Pragya Thakur, for calling Nathuram Godse a true patriot. Talking to media in New Delhi, party spokesperson Randeep Singh Surjewala said this is an insult to the Gandhian way of life that lives in the soul of the country. In Jammu and Kashmir, 3 Jaish-e-Mohammed terrorists were killed in an encounter with the security forces in Dalipura village of Pulwama district today. An army jawan was also martyred and a civilian was killed. 3 others, including 2 army personnel, were injured. Talking to AIR News, State Director General of Police Dilbagh Singh said 2 of the slain terrorists were locals and the third one was from Pakistan. Union Home Minister Rajnath Singh has spoken to the Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal over the grenade blast in Guwahati. 12 people were injured in the blast last night. Mr. Sonowal apprised the Home Minister of the current situation. The Chief Minister has ordered the state DGP to conduct an inquiry. Mr. Sonowal will hold a high-level security meeting in Guwahati this evening. Domestic stocks today closed with gains backed by a surge in IT and financial stocks amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended up 279 points at 37,393. The Nifty at the National Stock Exchange also climbed 100 points to settle at 11,257. And that